तो झरना के जंगल में रुकने और सफारी करने के बाद मैं अभी जा रहा हूँ जिम कॉर्बेट के सबसे फेमस जोन के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने के लिए। वैसे तो झरना के बाद मैंने ढेला जोन में भी सफारी किया था और ढेला के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी रुका था, लेकिन जो वीडियो मैंने शूट किया था वो डिलीट हो गया। तो ये आ गया है जिम कॉर्बेट के सबसे फेमस जोन का एंट्री गेट। ये है ढिकाला और मैं 3 दिन तक इसके अंदर ही रहने वाला हूँ। अभी दिन के 12 बजे हैं और थोड़ी देर में ही सफारी का टाइम स्टार्ट होने वाला है। पिछली बार यहाँ मैं 10 महीने पहले आया था, तब मैंने यहाँ कैंटर में सफारी की थी, लेकिन इस बार अंदर रह के मुझे जिप्सी सफारी करनी है। गेट पे परमिट चेक कराने के बाद अब टाइम है ढिकाला में एंटर करने का। आप घर चेक हो गया आपकी? ढिकाला में टोटल 4 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं जिसमें बुकिंग करा के रुका जा सकता है और मैं उनमें से 3 में रुकने वाला हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ गेट के सबसे पास वाले रेस्ट हाउस में, जिसका नाम है सुल्तान और ये धनगढ़ी गेट से बस 6 किलोमीटर ही अंदर है। वैसे इस जोन का मेन और सबसे फेमस रेस्ट हाउस जिसको ढिकाला कहते हैं वो गेट से 31 किलोमीटर अंदर है, जहां मैं तीसरे दिन रुकने वाला हूं। मेरे इस पूरे ट्रिप पे मेरे साथ हैं मुशाहिद खान जी, जिनको ढिकाला जोन का चप्पा चप्पा पता है। सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस साल के घने जंगल के बीच है और ये आ गया सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जिसको 1903 में बनाया गया था। ढिकाला के और रेस्ट हाउस की तरह इस रेस्ट हाउस के पास कोई भी बरसाती नाला नहीं है, बल्कि ये घने जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ बाकी जगह से अधिक शांति है। सुल्तान में केवल 2 ही रूम्स हैं और दोनों को ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। यहाँ कोई कैंटीन नहीं है, बल्कि एक किचन है जिसमें गेस्ट के लिए खाना बनाया जाता है, लेकिन उसके लिए राशन आपको ही लाना होता है। दोनों रूम्स में डबल बेड हैं और सामान रखने के लिए थोड़े फर्नीचर। यहाँ का वॉशरूम भी बड़ा और साफ सुथरा है और वॉशरूम से भी आपको जंगल का पूरा व्यू मिल जाता है। यहाँ आपको अपना राशन देके खाना बनवाना होता है, लेकिन मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है,
तो जो भी मैं बाहर से पैक करा के ला पाया अब खा के सफारी के लिए जाना है। तो अब मैं जा रहा हूं अपनी इवनिंग सफारी पे, और ये जो मकान दिख रहे हैं इनमें गाइड्स, ड्राइवर्स और इस रेस्ट हाउस को मैनेज करने वाले स्टाफ्स के रूम हैं। अब स्टार्ट होती है ढिकाला के मेन कैंपस तक की जर्नी, क्योंकि इस जोन में आप किसी भी एफआरएच में रुके हो सफारी के लिए बेस्ट स्पॉट ढिकाला का मेन कैंपस के आसपास का ही है। अभी मेरे साथ कोई गाइड नहीं है क्योंकि सुल्तान में आज कोई गाइड नहीं था। नॉर्मली सारे एफआरएच में कुछ गाइड्स होते हैं और वो पहले सफारी पे जाने वाली जिप्सीज को ही मिलते हैं, तो अगर आप सफारी पे थोड़ा लेट हो जाते हैं तो चांस है कि आपको भी गाइड ना मिले। ये है रामगंगा रिवर जो ढिकाला के मेन कैंपस तक और उससे भी आगे जाती है। और इसी नदी के किनारे हमें एक मगरमच्छ मिल गया जो अभी धूप सेक रहा है। मगरमच्छ के जबड़े की शक्ति दुनिया में किसी और जानवर के मुकाबले सबसे अधिक होती है, लेकिन वहीं इनके जबड़े को खुले रखने की शक्ति बहुत कम होती है। इतनी कम कि आप अपने हाथ से इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वैसे तो सारी सफारी गाड़ियों को ढिकाला के ग्रासलैंड तक ही पहुंचना होता है क्योंकि टाइगर्स देखने का चांस वहीं सबसे अधिक है, लेकिन रास्ते में ऐसे ही कुछ कुछ जानवर दिखते रहते हैं। और थोड़ा आगे जाके हमें ये जैकल यानी सियार मिल गया जो आराम से रोड के किनारे बिना किसी डर के बैठा है। और ये आ गया ढिकाला के जंगल का एक सुंदर हिस्सा जहां दोनों ओर ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ हैं, और इसके बाद ही ढिकाला का फेमस ग्रासलैंड आता है। और घना जंगल खत्म होते के साथ ही आ गया यहाँ का ग्रासलैंड जिसको आजकल बंद किया गया है क्योंकि यहाँ कुछ टाइगर अटैक्स हुए थे। और आगे चल के अब हम आ गए हैं रामगंगा रिवर के पास जिसको ढिकाला की लाइफलाइन कहा जाता है। इस नदी के किनारे बहुत अलग अलग पक्षी और जानवर देखने को मिल जाते हैं, और हमें यहाँ फिर से एक मगरमच्छ मिल गया जो धूप सेक रहा है। मगरमच्छ सबसे पुराने जीवों में से एक है और ये डायनासोर के समय से धरती पर रह रहे हैं। क्या दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है आगे वाले हाइट डेंस दिख रहा है, यहाँ से भी दिख रहा है, वो बहुत हल्का था। और जहाँ सारी जिप्सीज टाइगर को ढूंढने में लगी हैं, मैं यहाँ जो भी जानवर दिख रहा है उनके लिए रुक जा रहा हूँ। ठंड के मौसम में धूप सेकते हुए ये माँ अपने बच्चे को साफ कर रही है। बंदर इस तरह से एक दूसरे के साथ सोशलाइज भी करते हैं।
आगे जाके हमें कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिखी जो शायद किसी टाइगर का वेट कर रहे हैं, और पूछने पे पता चला कि यहाँ कुछ हिरन झाड़ियों की ओर देख के सतर्क हो रहे हैं। हिरणों के सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो बहुत बार टाइगर ना भी दिखे तो भी ये टाइगर की स्मेल से अलर्ट हो जाते हैं। थोड़े देर वेट करने के बाद अब हम फिर से टाइगर को ढूंढने निकल गए। वैसे मुझे आज तक ढिकाला में कभी ठीक से टाइगर नहीं दिखा है, और मुझे आशा है कि मेरे इस ट्रिप पे मुझे यहाँ टाइगर जरूर दिखेगा। तो था कुछ मौसम नहीं है, ठंडा बड़ा मामला। लेबरी लेबर है, लेबरी लेबर हो रही है, जरूर देखते हैं। ये रास्ता रामगंगा नदी के दूसरी ओर जाता है, लेकिन उसके लिए एक पुल को पार करना पड़ता है। लेकिन अभी उस पुल को बनाया ही जा रहा है, क्योंकि हर साल बारिश में वो बह जाता है और हर साल उसे फिर से बनाना पड़ता है। तो अभी ढिकाला का ग्रासलैंड भी बंद है और नदी को भी पार नहीं किया जा सकता है, जहाँ ढिकाला की एक फेमस टाइग्रेस रहती है जिसको छोटी पारो या पार वाली कहते हैं, और अभी उसके चार छोटे छोटे बच्चे हैं। और वहाँ से निकल के हमें फिर से जिप्सीज रुकी हुई दिख गई, और देखना है कि हमारे जाने के बाद इधर कोई टाइगर दिखा है या नहीं। पूछने पे पता चला कि ये बंदर थोड़ी देर पहले अलार्म कॉल दे रहा था, और यहीं से थोड़ी दूर पे हमें वो स्पॉटेड डियर भी अलर्ट मिले थे। लेकिन अब हमारे पास वेट करने का अधिक समय नहीं है, क्योंकि सुल्तान तक पहुंचने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो अब हमें वापस जाना होगा। हम जा ही रहे थे कि ये छोटा हाथी हमारी ओर भागता हुआ आ गया। सफारी में लोगों को लगता है कि सबसे अधिक खतरा टाइगर से है, लेकिन असल में डर केवल हाथियों का ही होता है। वैसे तो अभी ये छोटा ही है और खेलने के मूड में लग रहा है, लेकिन असली डर इसकी माँ से है। हाथी अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करते हैं, और उन्हें थोड़ा भी खतरा लगने पे वो हमला भी कर देते हैं। अब तो कैंटर्स के भी लौटने का टाइम हो गया है, जिनको हमसे भी आगे जाना है, लेकिन इस हाथी के रहते आगे जाना सही नहीं है। छोटा सा तो है। और अब कैंटर को भी पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि अब माँ निकल के आ गई है। हाथी वैसे तो झुंड में रहते हैं,
लेकिन यहाँ बस ये माँ और इसका ये बच्चा ही दिख रहा है। और ऐसे में अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ अधिक सतर्क है। अभी तो दोनों खाने में बिजी हो गए और ये अच्छा मौका है जब कैंटर को यहाँ से भाग लेना चाहिए। और दोनों के अंदर जाते ही कैंटर यहां से भाग गया। और अब हमारी बारी। ग्रेट। जाते जाते हम फिर से नदी के किनारे चेक करने आ गए, क्योंकि नदी के दूसरी ओर कभी टाइगर्स की साइटिंग हो जाती है। मेरे इस पूरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज और मैनेज किया है ईगल सफारीज ने, जिनकी एक्सपर्टीज है भारत के अलग अलग जंगल में सफारी मैनेज करना। टाइगर तो नहीं मिला, तो हमें जो भी दिख रहा है हम उसके लिए रुक जा रहे हैं। देख के ऐसा लग रहा है कि अब इन सारे लंगूरों के भी घर जाने का समय आ गया है। और घर से मतलब है एक सुरक्षित पेड़ देख के उस पे रात भर रहना। हमारी जिप्सी यहाँ इकलौती है जो कैंटर की तरह सफारी से वापस जा रही है। बस अंतर ये है कि हमें जंगल में ही रुकना है। और सफारी टाइम ओवर होने से ठीक पहले हम वापस अपने रेस्ट हाउस में आ गए और अब अंधेरा होने ही वाला है। आज रात मैं अकेला हूँ जो इस मकान में अकेले रहने वाला हूँ, लेकिन इसमें कोई डर की बात नहीं है। ये है इस रेस्ट हाउस का सोलर प्लांट, जिससे अब पूरी रात लाइट जलेगी और जानवरों से बचने के लिए बाड़े में भी इसी से इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। फेंस के बाहर ये गड्ढे जंगली जानवरों को अंदर आने से रोकते हैं, स्पेशली हाथियों को। कल के लिए तैयारी? जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा डस्ट आ जाता ना। हाँ। एंटर वाला सीन तो आपको पता ही है, कैसे भगाया उसने। पूरी डस्ट खिला दिया आज। इस घने जंगल के बीचों बीच रहने की फीलिंग ही अलग है, जो आपको किसी और रेस्ट हाउस में नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ बस दो रूम्स हैं और चारों ओर शांति है।
आज तो मुझे कोई टाइगर की साइटिंग नहीं हुई और अब देखना है कल सुबह की सफारी में क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सफारी में। गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ तक, कमी है।